हे दोस्तों, भारतीय बाजार में हैवल मोटर्स अपनी F7 को लॉन्च करने जा रही है। दोस्तों, ये गाड़ी भारतीय बाजार में लॉन्च होते ही सीधा कॉम्पिटिट करेगी क्रेटा, सेल्टॉस, हैरियर एंड जीप को। दोस्तों, ये एक ऐसी गाड़ी है जो कि इसको कहा जाता है कि एक जर्मन लग्जरी गाड़ी है विद द प्राइस टैग ऑफ चाइनीज प्राइसिंग। हैवल ब्रांड, दोस्तों मैं बात कर लूँ किस लेवल की ब्रांड है, तो हैवल ब्रांड की ब्रांडिंग BMW, ऑडी, मर्सिडीज की जैसी गाड़ियों से टक्कर देती है, पर इसकी प्राइसिंग इतनी अफोर्डेबल होती है जिसकी वजह से गाड़ी दुनिया में काफ़ी सुपरहिट है, स्पेशली इन यूरोप। इस गाड़ी को सबसे पहले 2020 में चल रहे इंडियन ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था और इस गाड़ी को 2018 से रशिया और कुछ यूरोप कंट्री में इसकी सेलिंग हो रही है। इस गाड़ी की हम लोग यहाँ पर डायमेंशन की बात करें तो हैवल F7 की कुल लंबाई है 4620 mm, जो कि क्रेटा एंड सेल्टॉस से भैया बहुत बड़ी गाड़ी है। चौड़ाई है 4620 mm और ऊंचाई है 1660 mm की। गाड़ी के अंदर 190 mm का शानदार ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है और गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों, ये सबसे अच्छी बात यह है कि गाड़ी एक 7-सीटर गाड़ी है। दोस्तों, ये गाड़ी जो है ना, आने वाले समय में सफारी और इनोवा के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो रही है, क्योंकि ये जिस सेगमेंट की गाड़ी है वो BMW, ऑडी, मर्सिडीज वाली रेट जो है ना, उस रेट पे गाड़ी नहीं आएगी। आइए जानते हैं इस गाड़ी की रेट क्या होगी और उसमें क्या क्या इंजन आते हैं। तो इंजन जान लेते हैं सबसे पहले। इंजन इसके अंदर आता है 2 लीटर का GW4C20NT 4 सिलेंडर टर्बो चार्जर पेट्रोल इंजन, जो कि पावर जनरेट करता है 197 bhp का विद टॉर्क ऑफ 345 Nm टॉर्क। अब दोस्तों, ये कंपटीशन के हिसाब से सबसे पावरफुल और पंची गाड़ी होने वाली है, जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ आती है। गाड़ी की लुक आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भैया, गाड़ी की लुक तो मुझे कातिल लग रही है, तबाही है भैया, तबाही। इंटीरियर्स की बात करूँ तो इंटीरियर जैसे हम कहते हैं, जैसे चाइनीज गाड़ियों की इंटीरियर होती है वैसी लग रही है। ये इंटीरियर दोस्तों यहाँ पर मुझे BMW की याद दिलाती है, जो कि कुछ हद तक BMW में इस प्रकार से आता है। इस गाड़ी में 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम विद 4-8 स्पीकर आएंगे इसके अंदर, और इसके अंदर हवल की स्मार्ट ऐप कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों, आते हैं सबसे बड़ी सवाल, इस गाड़ी की प्राइसिंग क्या होगी और गाड़ी कब तक भारतीय बाजार में हो सकती है लॉन्च। दोस्तों, हैवल मोटर्स भारत में 2021 के लास्ट तक एंट्री कर सकती है और इनकी बहुत सी इलेक्ट्रिक गाड़ी और पेट्रोल गाड़ियां आ रही है, जिनमें से ये एक है। कीमत की बात करूँ तो कीमत होगी इसकी 12 लाख रुपए से लेके 18 लाख रुपए के बीच में। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं, 12 लाख रुपए से लेके 18 लाख रुपए के बीच में। और अगर ये गाड़ी इस सेगमेंट में भारत में होती है लॉन्च, तो भैया क्रेटा का क्या होगा, सफारी का क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर और भी जो सेगमेंट की गाड़ी है उनकी क्या होगी, ये मुझे नहीं मालूम। आप इस गाड़ी के बारे में क्या नजरिया रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वैसे है तो ये एक चाइनीज गाड़ी, लेकिन दुनिया में इसे जर्मन लग्जरी के नाम से जाना जाता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ इसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द गाड़ी ज्ञान फॉर मोर अपकमिंग कार्स अपडेट्स एंड न्यूज एंड रिव्यूज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।